ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर परिषद हमीरपुर ने जिलाधीश के निर्देशानुसार हमीरपुर बाजार में अतिक्रमण हटाने को साथ ही बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे व्यक्तियों पर कार्यवाही की, लेकिन ये कार्यवाही केवल रेहड़ी फेड़ी पर सब्जी इत्यादि बेच रहे वो सड़क किनारे मेहंदी आदि लगाने का काम कर रहे दुकानदारों तक ही सीमित रही। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बाजार के अन्य व्यापारियों पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई। नगर परिषद हमीरपुर ने जिलाधीश हमीरपुर के निर्देशानुसार हमीरपुर बाजार में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे व्यक्तियों पर कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई केवल रेड़ी फेड़ी व सब्जी विक्रेताओं तथा सड़क किनारे मेहंदी आदि लगाने वाले काम कर रहे दुकानदारों तक ही सीमित रही। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बाजार के अन्य व्यापारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस अभियान के दौरान रेडी लगाकर अतिक्रमण करने वाले व बिना लाइसेंस के सामान बेचने वालों पर नगर परिषद द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई, साथ ही उनका सामान भी जब्त किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर बहसबाजी भी हुई। इसके साथ ही कुछ अन्य स्थानों पर नगर परिषद द्वारा रेडियों को कब्जे में भी लिया गया है। मंगलवार करीब 3 बजे नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा शहर में फैले अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, साथ ही रेड़ी फेड़ी वालों के लाइसेंस भी चेक किए गए। बिना लाइसेंस के सामान बेच रहे दुकानदारों का सामान जब्त किया गया तथा कुछ एक रेड़ियों को भी कब्जे में लिया गया। इस दौरान नगर परिषद द्वारा करीब 22 दुकानदारों का सामान कब्जे में लिया गया और कुछ को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। साथ ही जिन दुकानदारों का सामान जब्त किया गया है उन्हें नगर परिषद कार्यालय आकर जुर्माना भरने के बाद सामान ले जाने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई केवल रेड़ी फेड़ी सब्जी बेचने वालों आदि पर ही की गई, जबकि बाजार के अन्य व्यापारियों पर कार्रवाई शून्य रही। हालांकि कुछ को सामान अंदर करने के निर्देश तो दिए गए, लेकिन किसी भी अन्य दुकानदार का ना तो सामान जब्त किया गया, ना ही किसी का सामान उठाकर लेकर उनसे जुर्माना किया गया। इस समय समय पर नगर परिषद जो इस प्रकार के अभियान लेती है, ये चुनाव में कुछ समय का गैप पड़ा था, उसके बाद काफ़ी जो ये शॉपकीपर और कुछ अनथराइज जो रेड़ी फड़ी वाले हैं यहाँ पर आ गए थे, उनको हटाने की मुहिम जो इस पर ली गई है। इस संदर्भ में जो जिला प्रशासन है उसने भी हमें आदेश किए हैं कि जो अनथराइज इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है बाजार में, चाहे वो रेड़ी है चाहे दूसरे हैं, इनको वहाँ से हटा के चलान और इनको कंपाउंड किया जाए। तो उसी आदेश को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्रवाई जो आज अमल में लाई है। अच्छा सर, आज देखा गया कि रेड़ी वाले पर आपने कार्रवाई की है, मगर कुछ स्थायी दुकानदार थे उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसका क्या कारण था? सभी के साथ एक जैसे जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। कुछ को हम वार्निंग देके जो सामान जो नालियों पे है उसको उनको अंदर करने को कहा गया, और फिर से हम समय समय पर इस मुहिम को जारी रखेंगे, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो रेड़ी है, किसी भी प्रकार का जो अवैध तरीके से आगे कारोबार कर रहा है उसको यहाँ पे हम नगर परिषद माफ नहीं करेंगे। जो कुछ लोगों ने जो सीटें नहीं कटवाई है उनका हमने कंपाउंड किया सामान, उसको हम देख रहे हैं और उनके जो आगे कार्रवाई है जो भी बनती है वो अमल में लाई जाएगी।